आज मैं आपको लखनवी अंदाज यशपाल जी के द्वारा लिखा हुआ ये कहानी है, इसके एक प्रश्न उत्तर बताऊंगी। इसमें पहला प्रश्न हम लेकर के चल रहे हैं, प्रश्न है, लेखक को नवाब ने किन हाव-भावों से यह महसूस करवाया कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। लेखक ने डिब्बे में प्रवेश किया तो वहां पहले से ही एक सज्जन पुरुष पालथी लगाकर बैठे थे। उनके सामने खीरे रखे हुए थे। लेखक को देखते ही उनके चेहरे पर ऐसा भाव आ गया कि उन्हें लेखक का आना अच्छा नहीं लग रहा। लेखक ने उनके एकांत चिंतन में विघ्न डाल दिया था, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं। परेशानी की स्थिति में कभी खीरों को देखते हैं और कभी खिड़की के बाहर देखते हैं। उनकी असुविधा और संकोच वाली स्थिति से लेखक को लगा कि नवाब उनसे बातचीत नहीं करना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च लगाया और सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कौन से स्वभाव की ओर इंगित करता है? नवाब साहब ने बहुत ही नज़ाकत से खीरा काटा, सलीके से उस पर नमक मिर्च लगाया, लेकिन नमक मिर्च लगी हुई फांकों को खाया नहीं। यह उनके दिखावा प्रभाव के स्वभाव को दिखाता है कि किस प्रकार से उनके अंदर दिखावे का प्रभाव विद्यमान है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं इसे, जो उनके अंदर विद्यमान है कि वो पहले खीरे लेकर के बैठे थे, लेकिन जब लेखक की अनुपस्थिति है तो उनको इसको खाने में शर्म आ रही है। अब उन्हें शर्म का अनुभव हो रहा है। लेखक को डब्बे में देखकर उन्हें रईसी याद आने लग जाती है, इसलिए वो दिखावे के लिए खीरे को सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंकने लग जाते हैं। इन सब घटनाओं को देखकर लगता है कि वो दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं और उन्हें दिखावा बेहद पसंद है। उनके इसी प्रकार के स्वभाव ने लेखक को देखकर खीरा खाना अपमान समझा। प्रश्न है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? इस विचार से हम सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि बिना विचार घटना और पात्र के कहानी नहीं लिखी जा सकती। तीनों का होना जरूरी होता है किसी कहानी को लिखने के लिए। उदाहरण के लिए लेखक की इस कहानी लखनवी नवाब को ही ले सकते हैं, जिसमें लखनऊ के ने एक पतनशील सामंती वर्ग के ऊपर कटाक्ष करके सारा ताना बाना लिखा है। इसमें लेखक के इसी विचार की प्रमुखता है। घटना के रूप में रेल का डब्बा और पात्र में लखनवी नवाब आ जाते हैं और कहानी बन जाती है। इसलिए ये कहना उचित नहीं है कि बिना विचार पात्र और घटना के कहानी बन सकती है। प्रत्येक कहानी का इनका आवश्यक तत्व है कि ये सब चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। प्रश्न है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? हम इस निबंध को अकड़ू नवाब नाम देना चाहेंगे, क्योंकि इस पाठ के नवाब साहब अपना सारा काम अकड़ कर करते हैं, साथ वाले से बातचीत नहीं करते हैं। खीरे को तो वो ऐसे काटते हैं जैसे कोई विशेष वस्तु हो। खीरा आम आदमी के खाने की वस्तु है, लेकिन जैसे ही उन्हें ऐसा लगता है तो वो दिखावे के लिए उसे सूंघकर बाहर फेंक देते हैं। इस प्रकार की हरकतें अकड़ू नवाब शीर्षक देने के लिए बिल्कुल सही है। इसके अतिरिक्त लेखक ने इस निबंध का नाम लखनवी अंदाज रखा है, जो लखनऊ के नवाबों की ज़िंदगी जीने के अंदाज का वर्णन करता है। इसका नाम नवाब की सनक भी हो सकता है। नवाब की सनक का वर्णन किया है कि किस प्रकार से दिखावा करने के लिए वो खीरा नहीं खाते हैं, जबकि पहले उन्होंने खीरा काटने के लिए खाने के लिए काट रखा था। खीरा फेंकने से वो अपने आप को खास दिखाना चाहते हैं। इस निबंध की कथा के अनुसार खीरे को भी वो बड़ी नज़ाकत और नफासत से काटते हैं।
उन खीरों की सजावट देखकर सबका मन ललचा जाएगा, लेकिन वह लेखक के सामने खाना नहीं चाहता है। यह सब काम केवल सनकी लोग ही कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम सनकी नवाब भी हो सकता है।